पहले वीडियो में हमने इस बुक में 6 पैटर्न देखी थी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये 6 पैटर्न आपने होमवर्क भी कर ली होगी। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, जो है पेज नंबर 7 पे। स्टार्ट करते हैं, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरह आपको ये डॉट वाली लाइन भी फिनिश करनी है। ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब नीचे देखते हैं, रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरह आपको इस पैटर्न की ये 4 लाइन फिनिश करनी है। अब नीचे देखते हैं, ये वाली पैटर्न सिर्फ ब्लू लाइन में ही करनी है आपको। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरह आपको ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट करनी है। अब नीचे देखते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरह आपको इस पैटर्न की भी ये 4 लाइन कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 8। रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक करना है कर्व, कर्व, कर्व। रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक कर्व। इस तरह आपको ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट करनी है। अब नीचे देखते हैं, रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन तक कर्व, कर्व, कर्व। इस तरह आपको इस पैटर्न की भी ये 4 लाइन कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ये पैटर्न भी सिर्फ ब्लू लाइन में ही आनी चाहिए। स्लैंटिंग लाइन और वहीं से जॉइंट करके फिर से स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। याद रखना, ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये ट्रेस वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई। अब नीचे देखते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह आपको इस पैटर्न की ये 4 लाइन कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, रेड लाइन में, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक कर्व, फिर वहां से स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन। रेड लाइन से ब्लू लाइन तक ये कर्व करना है, फिर वहां से नीचे वाली ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन। इस तरह आपको ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट करनी है। अब नीचे देखते हैं, रेड लाइन से स्टार्ट करना है ब्लू लाइन तक कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन। इस तरह आपको इस पैटर्न की भी ये 4 लाइन फिनिश करनी है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न भी सिर्फ ब्लू लाइन में आनी चाहिए। ये कर्व, फिर ये छोटा कर्व, फिर बड़ा कर्व, फिर उसे ही ज्वाइंट करके ये छोटा कर्व, फिर वहीं से बड़ा कर्व, छोटा कर्व, बड़ा कर्व, छोटा कर्व। ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब नीचे देखते हैं, ब्लू लाइन में ये बड़ा कर्व, फिर वहां से ये छोटा कर्व, बड़ा कर्व, छोटा कर्व, बड़ा कर्व, छोटा कर्व।
आपको यहाँ पर पेंसिल नहीं उठानी है, कंटिन्यूसली ये पैटर्न करनी है। इस तरह आपको इस पैटर्न की भी ये फोर लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं कि आज हमने कितनी पैटर्न देखी। पेज नंबर 7 की ये 1-2 पैटर्न, पेज नंबर 8 पर 3-4 पैटर्न और पेज नंबर 9 पर 5 एंड 6, ये 6 पैटर्न आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है।